हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे 2021 के स्टार्टिंग में हमको यहाँ पे ओप्पो की तरफ से ओप्पो रेनो 5 प्रो 5G देखने को मिला था। दोस्तों, यहाँ पे पहली बात तो ये कि यहाँ पे ये एक 5G फ़ोन है, वजह का ये इंडिया का पहला ऐसा फ़ोन था जो कि मीडिया टेक डायमेंसिटी 1000 प्लस वाली चिपसेट के साथ आता है। और वजह का यहाँ पे वीवो V21 5G, ये भी 5G फ़ोन है और यहाँ पे ये अभी अभी लॉन्च हुआ है। तो यहाँ पे जो फीचर्स हैं हमको बहुत ही ज़्यादा कमाल के मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये इंडिया का ये भी पहला ऐसा फ़ोन है जिसमें हमको सेल्फी कैमरे में 44 मेगापिक्सल के साथ साथ हमको यहाँ पे OIS यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखा जाए तो दोनों ही फोन में हमको यहाँ पे काफी कमाल के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो आज हम इन दोनों के बीच में एक कंप्लीट क्लियर कंपैरिजन रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ओप्पो जो है इसमें हमको दो कलर देखने को मिल जाते हैं, एक है यहाँ पे एस्टर ब्लू और यहाँ पे स्टेरी ब्लैक, वही जगह यहाँ पे वीवो में हमको यहाँ पे तीन कलर देखने को मिल जाते हैं, एक यहाँ पे सनसेट डेजिल डक्स ब्लू और यहाँ पे एरेटिक वाइट। दोस्तों, यहाँ पे बात करें अगर फिजिकल ओवरव्यू की तो यहाँ पे दोनों ही में हमको पीछे से ग्लास बैक देखने को मिल जाता है और दोनों ही में हमको यहाँ पे मैटी फिनिश देखने को मिलती है। और वही जगह यहाँ पे हमको ओप्पो में एक ओप्पो की छोटी सी ब्रांडिंग देखने को मिलेगी और वही जगह वीवो में हमको यहाँ पे वीवो में एक छोटी सी ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। वही जगह यहाँ पे जो ओप्पो में जो हमको कैमरा सेटअप मिलता है क्वाड यानी कि चार कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है और वीवो में हमको ट्रिपल यानी कि तीन कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे जो ओप्पो में जो हमको मिल रहा है वो हमें यहाँ पे कर्व एजेस देखने को मिल रही है, वही जगह यहाँ पे हमको वीवो में हमको यहाँ पे फ्लैट एजेस को मिल रही है, वही जगह यहाँ पे ओप्पो में हमको मेटेलिक के फ्रेम्स देखने को मिल जाते हैं और वीवो में हमको यहाँ पे प्लास्टिक के फ्रेम्स देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे बात करें अगर थिकनेस और वेट की तो यहाँ पे जो थिकनेस जो है यहाँ पे ओप्पो में और वीवो में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे काफ़ी कम होती है, मतलब फ़ोन काफ़ी ज़्यादा स्लिम ट्रिम काफ़ी ज़्यादा पतले होते हैं, तो ओप्पो में आपको थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है 7.6 mm की देखने को मिल जाती है और वीवो में आपको यहाँ पे 7.29 mm की देखने को मिल जाएगी। वही जगह वेट जो है ओप्पो का थोड़ा सा कम है यानी कि फ़ोन थोड़ा सा हल्का होगा 173 ग्राम का, वही जगह वीवो आपको 176 ग्राम का देखने को मिल जाता है। दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे इन द बॉक्स कंटेंट की तो यहाँ पे आपको दोनों ही में इन द बॉक्स में बैक कवर देखने को मिल जाता है। ओप्पो में आपको एक सुपर फास्ट आपको एक चार्जर देखने को मिल जाएगा जो कि बेसिकली 65 वॉट का है, वीवो में आपको 33 वॉट का एक मैं कह सकता हूँ कि फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे ईयरफोन्स तो आपको यहाँ पे दोनों ही में देखने को मिल जाएंगे और स्क्रीन गार्ड भी आपको यहाँ पे दोनों में देखने को मिल जाता है, एक आपको यूएसबी टाइप सी वाली एक केबल देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे वीवो जो है इसमें आपको इन द बॉक्स में यूएसबी टाइप सी टू यहाँ पे 3.5 mm ऑडियो जैक एक एडाप्टर देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसमें जो आपको ईयरफोन जो देखने को मिल रहे हैं वो आपको यहाँ पे 3.5 mm ऑडियो जैक वाले मिल रहे हैं और यहाँ पे ये जैक आपको इस फोन में देखने को नहीं मिलती, इसीलिए यहाँ पे इन द बॉक्स में आपको एडाप्टर देखने को मिल जाता है तो आपको अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है। वही जगह ओप्पो की बात करें तो इसमें आपको यहाँ पे टाइप सी वाले आपको ईयरफोन्स मिलेंगे तो आप इसको डायरेक्टली अपने फोन में लगा सकते हैं, आपको कोई भी एडाप्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही जगह आपको एक पिन देखने को मिल जाती है। दोस्तों, यहाँ पे बात करें अगर बैटरी की तो यहाँ पे जो ओप्पो में जो हमको बैटरी मिलती है वो 4350 mAh की मिल जाती है, जगह वीवो में हमको सिर्फ और सिर्फ 4000 mAh की बैटरी मिलेगी। और यहाँ पे ओप्पो में जो चार्जिंग टाइम में ऑफिशियली मेंशन था कि ये सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे यानी कि 30 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा, वही जगह यहाँ पे वीवो में 0 to 63% ये मेंशन था कि यहाँ पे ये 30 मिनट में चार्ज होगा और अब मेरे ख्याल से कि 0 to 100% मतलब फुल चार्ज होने में लगभग एक घंटा तो ले ही लेगा। दोस्तों, यहाँ पे बात करें अगर कैमराज की तो यहाँ पे जो ओप्पो में जो कैमरा मिलता है 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाता है, वही जगह यहाँ पे वीवो में भी हमको 64 मेगापिक्सल मेन कैमरा मिलता है जो कि आई ऑटो फोकस वाली एकदम लेटेस्ट वाली टेक्नोलॉजी के साथ आता है, वजह हमको इसमें OIS भी मिल जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ मतलब नेक्स्ट लेवल की आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस मिलने वाली कैमरा से। और वही जगह यहाँ पे दोनों ही में हमको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिल जाता है और वही जगह यहाँ पे ओप्पो में जो हमको कैमरा देखने को मिल रहा है 2 मेगापिक्सल का माइक्रो 2 मेगापिक्सल का मोनो देखने को मिल जाता है और वीवो में जो अल्ट्रा वाइड जो कैमरा 8 मेगापिक्सल का इसी में हमको यहाँ पे बुके यानी कि डेप्थ जो कैमरा होता है वो भी हमको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे एक और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने को मिल जाएगा और दोनों ही में हम वीडियो शूट 4K तक की कर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे बात करें अगर सेल्फी कैमरे की तो यहाँ पे ओप्पो में हमको सिर्फ सिर्फ 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है, वजह वीवो में हमको 44 मेगापिक्सल की सेल्फी तो देखने को मिल ही जाती है, साथ ही साथ आई ऑटो फोकस वाली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी मिलती है सेल्फी में और यहाँ पे OIS के साथ आता है, तो मतलब परफॉर्मेंस में मतलब कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ आप नहीं देखेंगे, बिल्कुल मतलब बहुत अच्छी आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। वजह वीडियो शूट हम यहाँ पे ओप्पो में सिर्फ और सिर्फ फुल HD तक की कर सकते हैं और यहाँ पे वीवो में हम यहाँ पे 4K तक की वीडियो शूट कर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे बात करें अगर डिस्प्ले की तो यहाँ पे डिस्प्ले मैं कहूँगा कि ओप्पो का थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ा डिस्प्ले मिलता है 6.55 इंच का, वही जगह यहाँ पे वीवो में आपको 6.44 इंच का डिस्प्ले मिलता है और साथ ही साथ ओप्पो में आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाता है यानी कि थोड़ा सा घुमा हुआ डिस्प्ले होगा, वो चीज़ हमको वीवो में देखने को नहीं मिलती। बाकी यहाँ पे सारे फीचर सेम है, दोनों में फुल
एच डी प्लस सुपर एमोलेड मिल जाता है, वजह कि ओप्पो में हमको यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन मिलेगी और वीवो में हमको यहाँ पे स्कॉच सेंसेशन यूपी की प्रोडक्शन देखने को मिल जाती है। बाकी दोनों ही में हमको 90 हर्ट्ज़ का स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिल जाता है, काफ़ी अच्छी बात है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो यहाँ पे हमको 90% से ऊपर मिल जाता है, एच डी आर 10 प्लस का सपोर्ट मिल जाता है, तो आप जब वीडियोज वॉच करेंगे तो आपको परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पे बात करें अगर प्रोसेसर की, तो यहाँ पे जो प्रोसेसर जो ओप्पो मिलता है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। हमको मीडिया टेक डायमेंसिटी 1000+ वाली चिपसेट देखने को मिलती है, वीवो में हमको यहाँ पे मीडिया टेक डायमेंसिटी 800U देखने को मिल जाता है। आंतु स्कोर की बात करें तो ओप्पो में जो आए हुए हैं वो यहाँ पे 4,40,000 के आसपास आए हुए हैं और वीवो में हमको यहाँ पे 3,20,000 के आसपास देखने को मिल जाता है, यानी कि जो डिफरेंस जो है वो लगभग 1,20,000 का, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब कि ओप्पो का जो प्रोसेसर है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे से आप इसमें गेमिंग कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे बात करें अगर एंड्रॉइड वर्जन की, तो यहाँ पे जो आपको मिलता है ओप्पो में ओप्पो का कलर ओएस 11.1 मिल जाता है, वीवो में आपको यहाँ पे फ्रंट टच ओएस 11.1 देखने को मिल जाएगा। दोनों ही यहाँ पे एंड्रॉइड 11 पे बेस है, आपको यहाँ पे कई सारे कस्टमाइजेशन वाले ऑप्शन भी देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे अगर कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें तो आपको दोनों में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी लेटेस्ट है। फेस अनलॉक भी मिल जाता है, 3.5mm ऑडियो जैक नहीं मिलेगी जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, ब्लूटूथ वर्जन 5.1 है। और यहाँ पे सिम ट्रे की बात करें, ओप्पो में जो मिलती है हमको हाइब्रिड नहीं मिलती, सिर्फ दो ही स्लॉट मिलेंगे, यानी कि आप इसमें सिर्फ डुअल सिम यूज़ कर सकते हैं, एसडी कार्ड का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। वीवो में आपको यहाँ पे हाइब्रिड मिलती है, यानी कि आप डुअल सिम यूज़ कीजिए, या तो एक सिम और एक मेमोरी कार्ड यूज़ कीजिए। 5G तो दोनों ही फोन मिल जाते हैं, यहाँ पे सिंगल स्पीकर हमको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें वेरिएंट और रेट की, तो ओप्पो में आपको सिंगल वेरिएंट मिलता है 8GB रैम 128GB की इंटरनल स्टोरेज, और वीवो में आपको यहाँ पे दो वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं 8128 और यहाँ पे 8256। बाकी जो यहाँ पे जो प्राइस रेट का जो कंपैरिजन रखा गया वो तो आप देख ही पा रहे हैं, और जो ओप्पो का जो बाय करने का लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से आप डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पे आप लोग ने जैसा देखा कि ओप्पो का अगर आपको फोन लेना है तो आपको अगर डिस्प्ले अच्छा चाहिए और यहां पे प्रोसेसर अगर आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा चाहिए तो आप यहां पे ओप्पो वाले फोन की तरफ जा सकते हैं, वजह कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ मेन फोकस अगर आपका कैमरा है, अगर आपको कैमरे से एकदम नेक्स्ट लेवल की अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस OIS आपको सेल्फी में भी मिल जाए, बैक कैमरे मिल जाए, तो आप यहां पे वीवो का जो फोन है वो उसको आप यहां पे कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पे ये हो गया इन दोनों फोन का क्लियर कंपैरिजन रिव्यू। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और अच्छे कंटेंट के साथ में।